हाय एवरीवन, होप यू डूइंग वेल। आज का वीडियो हमारा रेगुलर बैक टेस्टिंग वीडियो नहीं है। हमने ऑलमोस्ट 10 महीने पहले ये वाला वीडियो बनाया था जहां हमने आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर किए थे, चैनल के अपडेट्स बताया था और हमारी बैक टेस्टिंग शीट आपको फ्री में प्रोवाइड किया था। अभी बहुत सारा चेंज हुआ है उस वीडियो के बाद। न्यू डाउट्स है लोगों को, चैनल के कॉन्टेंट में चेंजेस हुआ है और वो शीट भी थोड़ा आउटडेटेड हो गया है क्योंकि वो स्टॉक्स के लिए था। मुझे ये वीडियो बनाना ज़रूरी पड़ रहा है। ओरिजिनली मैं प्लान कर रहा था कि हम ये वाला वीडियो है ना, जब 15K क्रॉस करेंगे ना तब बनाओ, बट इसमें दो तीन चीज़ ऐसे हैं, दैट इज़ बैक टेस्टिंग शीट, चैनल मोनेटाइजेशन, कॉपीराइट स्ट्राइक एक्सेट्रा। ये सब चीज़ अभी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी हो गया है और मेरे हिसाब से मेरा 15K दिसंबर तक हो जाना चाहिए और मैं तब तक तो रुक नहीं सकता हूँ। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ये वीडियो एक अनस्क्रिप्टेड वीडियो है। इसमें मैं जो भी बोलूँगा वो कोई भी ऑर्डर में नहीं है, तो टॉपिक मैं कभी भी बोल सकता हूँ। हाई एवरीवन, दिस इज प्रणीत फ्रॉम ट्रेडर इनसाइड, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला टॉपिक है हमारा आज का कॉपीराइट स्ट्राइक। आप में से बहुत लोगों को पता होगा, अभी रिसेंटली मुझे एक वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक लगा है फ्रॉम XYZ पर्सन ऑन आवर पेड कोर्स। मैं ये वीडियो में उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि मैं ये वीडियो को आगे के लिए भी रेफरेंस करना चाहता हूँ और मैं ये नहीं चाहता कि 3-4 महीने बाद अगर कोई ये वीडियो देखे तो उसको ये पुराने प्रॉब्लम के बारे में पता चले और उस कॉपीराइट स्ट्राइक मारने वाले पर्सन को हेट दे। जिन्होंने वो पेड स्ट्रेटजी का वीडियो देखा है वो आप जानते हो कि हमने उस वीडियो में कुछ भी रिवील नहीं किया है। ओवरऑल कोर्स का रिव्यू दिया था जो कंपेयर टू अदर पेड स्ट्रेटजीज पॉजिटिव था, बट उसमें एक प्रॉब्लमेटिक बात था कि जैसे मैंने बताया था कि उन्होंने वो इंडिकेटर किसी और से कॉपी किया और उन्होंने ये बोला कि वो उनका है, शायद ये बात पे उनको मिर्ची लगी होगी और इसीलिए वो वीडियो को कॉपीराइट स्ट्राइक करके टेक डाउन किया। लेट्स सी क्या होता है। मैंने काउंटर नोटिफिकेशन तो डाला है क्योंकि ऑब्वियसली मेरा वीडियो फेयर यूज के अंडर आता है। उनको भी कॉन्टैक्ट किया है बट उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, देखते हैं क्या होता है। ऐसा लास्ट एक्सपीरियंस भी हमारा बहुत हॉरिबल था। जो हमारे साथ स्टार्ट से हैं उनको पता होगा कि हमने एक और पेड कोर्स का रिव्यू किया था जिसपे भी हमें कॉपीराइट स्ट्राइक मिला था। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि यही रीज़न है कि मैं बहुत टाइम से कोई पेड कोर्स का रिव्यू नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद फिगर आउट कर रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम को कैसे टैकल करूँ। इस प्रॉब्लम के लिए मुझे आपसे फीडबैक चाहिए कि मुझे इस बारे में क्या करना चाहिए। या तो मैं वो सीरीज़ कम्प्लीटली बंद कर सकता हूँ, या तो आई कुड मेक अ पेड स्ट्रेटजी सीरीज विदाउट टेकिंग अ नेम ऑफ द क्रिएटर्स एंड और यूजिंग अ डमी नेम, या तो मेरे को भी नहीं पता क्या करना चाहिए। मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मुझे सजेस्ट करो कि इस बारे में मैं क्या करूँ। आज का सेकेंड टॉपिक है हमारा बैक टेस्टिंग शीट। हमने ऑलरेडी आपको ये एक शीट प्रोवाइड किया है बहुत पहले स्टॉक्स के लिए, आप ये वीडियो देख सकते हो उसके लिए। उस वक्त हम सिर्फ स्टॉक्स के लिए टेस्ट करते थे, इसलिए हमने ये स्टॉक्स वाला शीट ही आपको प्रोवाइड किया था। ऑब्वियसली चैनल में बहुत सारे चीज़ें आए हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्रिप्टो, स्ट्रेटजिंग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें अपने हिसाब से ये शीट में मॉडिफिकेशन करते रहना पड़ता है, जो ऑब्वियसली वो शीट में नहीं हो सकता जो मैंने आपको प्रोवाइड किया था। वो शीट में आप मैन्युअली कुछ एंटर नहीं कर सकते क्योंकि वो शीट लॉक्ड है। लॉक करने का ये रीज़न नहीं है कि आपको फॉर्मूला ना पता चले या फिर आप कुछ छेड़खानी ना कर सको, रीज़न यही था क्योंकि वो वाला एक्सेल शीट बहुत बिगिनर्स भी यूज़ करेंगे, राइट। तो जिनको एक्सेल शीट का आइडिया नहीं है वो गलती से भी कुछ फॉर्मूला आगे पीछे करके एरर ना लाए, इसी के लिए हमने उसको लॉक किया था, और कुछ इंटेंशन नहीं था उसके पीछे। आई एम ऑफिशियली रिलीजिंग दिस बैक टेस्टिंग शीट फॉर इंडेक्स स्ट्रेटजी वेर यू कैन टेस्ट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी स्ट्रेटजी योर सेल्फ। आपको स्क्रीन पर यह शीट दिख रहा होगा, प्रीवियस शीट जैसा ही यहाँ पर आप टाइम, डेट, एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस, टारगेट, विनने की लॉस है या फिर लॉट साइज, ये सब डाल सकते हो। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये लॉट साइज है। लेट्स से अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो आपको निफ्टी के केस में 50 का लॉट साइज डालना पड़ेगा और बैंक निफ्टी के केस में 25 का लॉट साइज डालना पड़ेगा। ये शीट फुल्ली अनलॉक्ड है तो आप इसमें जो मॉडिफिकेशन चाहिए वो सब कुछ कर सकते हो। बहुत जल्दी हम इसका भी एक एडवांस बैक टेस्टिंग शीट लाने वाले हैं जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो। अंटिल देन आप ये यूज़ करके बैक टेस्टिंग करना चालू कर दो। इसका और प्रीवियस स्टॉक वाली बैक टेस्टिंग शीट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप चाहते हो तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। कुछ डाउट रहेगा तो इस शीट का ट्यूटोरियल्स भी बहुत जल्दी लाऊंगा। आपको ये तो पता ही होगा लास्ट शीट भी हमने आपको फ्री में प्रोवाइड किया है, जबकि अगर मैं चाहूँ तो इस शीट को बाकी यूट्यूबर्स की तरह पेड करके इजीली मोनेटाइज कर सकूँ। सिंपली एक शीट को मैं 100 रुपये में भी बेचूँ ना तो एक अच्छा रेवेन्यू हो सकता है, बट ये चीज़ मेरा दिल नहीं मानेगा ऑनेस्टली।
मैं ऐसा बिल्कुल कमाना नहीं चाहता हूँ। इतना भी मुझे पैसे की जरूरत नहीं है कि मैं एक्सेल शीट या फिर स्ट्रैटेजी बेच के आपको पैसा कमाऊँ। चैनल मोनेटाइजेशन और सस्टेनेबिलिटी के लिए मैं कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लूँगा। सो अभी मुझे और कोई बहाने नहीं चाहिए आपसे। जल्दी से बैकटेस्टिंग शीट डाउनलोड करो और खुद से बैकटेस्टिंग करना चालू कर दो। अब रही बात मोनेटाइजेशन की और चैनल सस्टेनेबिलिटी की। आपने देखा होगा रिसेंटली हमने स्पॉन्सरशिप एक्सेप्ट करना चालू किया है। अब जैसे जैसे चैनल मेरा ग्रो होगा मुझे चैनल के लिए नए हायरिंग स्टार्ट करना पड़ेगा ताकि हम चैनल के क्वालिटी कंटेंट और वीडियो के फ्रीक्वेंसी को इम्प्रूव कर सके। डाउन द लाइन बहुत कुछ प्लान्ड है आपके लिए और चैनल के लिए भी, और बहुत जल्दी वो चालू भी हो जाना चाहिए। अभी ये सब के लिए मुझे ये चैनल पे कुछ ना कुछ कैश फ्लो का अरेंजमेंट तो सोचना ही पड़ेगा। अभी रिसेंटली मैंने एक तो डेडिकेटेड स्पॉन्सर वीडियो किया था कुछ पेड इंडिकेटर्स के ऊपर। मेरे पर्सपेक्टिव से आप देखोगे तो मैंने सिर्फ उन प्रोडक्ट्स का रिव्यू किया था और आपको मेरा ऑनेस्ट रिव्यू और रिजल्ट्स दिखा रहा था। अभी कहीं कहीं रिजल्ट उसका अच्छा है तो लोगों को ये डाउट ऑब्वियसली आएगा कि मैंने, हो सकता है कि रिजल्ट्स मैनिपुलेट किया है और मैं स्पॉन्सर को खुश कर रहा हूँ। नो डाउट ये आना नेचुरल है। मैं आपकी जगह होता तो मैं भी यही सोचता। लेट मी अश्योर यू, वो वीडियो का रिजल्ट हमेशा मैं मेरे खुद के व्यूज से ही देता हूँ और वो रिव्यूज़ कोई भी स्पॉन्सर इन्फ्लुएंस अब तक नहीं किया है और आगे भी मैं करने नहीं दूंगा। क्योंकि स्पॉन्सरशिप करने से पहले ही मैं उनको बोल देता हूँ कि मैं रिजल्ट गलत नहीं दिखाने वाला। बट रिसेंटली मुझे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया जो मुझे सच्ची बहुत हिट किया। उनका कमेंट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। गॉन आर द टाइम वन वुड वेट एवरी सैटरडे टू सी योर वीडियोस, स्टिल लॉट ऑफ गुड नॉलेज। ऑनेस्टली स्पीकिंग आपका पहला कमेंट आता था मुझे वेटिंग एवरी सैटरडे टू सी योर वीडियो। ऐसे स्वीट स्वीट मैसेज देख के मेरा दिल बहुत खुश हो जाता था और मुझे और मोटिवेशन मिलता था नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और मेरे को ये भी समझ रहा है कि करेंटली मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अकेले ही काम कर रहा हूँ और ये मेरा फुल टाइम जॉब नहीं है। मेरे करंट कैपेसिटी मैक्स 1 वीडियो पर वीक का है। और एज अ ऑडियंस आप भी पूरा एक वीक वेट करते हो नए वीडियो का, और अगर वो एक वीडियो भी मैं डेडिकेटेड स्पॉन्सर वीडियो निकालूँ तो आपको भी वो सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा वीडियो देखने के लिए। आई गॉट योर मैसेज वेरी क्लियरली। फर्स्ट आई वुड लाइक टू से सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। आपका साथ और इंटरेस्ट मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी स्पॉन्सर से। सो टुडे आई एम मेकिंग अ प्रॉमिस टू ईच एंड एवरी वन, अभी से मैं एवरी सैटरडे कोई भी डेडिकेटेड स्पॉन्सर वीडियो नहीं लाऊंगा। मैं डेडिकेटेड स्पॉन्सर वीडियो बनाना बहुत कम कर दूंगा, और कभी बनाया तो वो सैटरडे तो हरगिज नहीं आएगा क्योंकि वो टाइम आपके लिए है और एवरी सैटरडे आप उस वीडियो का इंतज़ार करते हो। ये एक मुश्किल डिसीजन है मेरे लिए क्योंकि ये चीज़ करके मेरे को चैनल सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट स्टिल कोई भी चीज़ आपके ट्रस्ट के ऊपर नहीं है मेरे लिए। कमेंट में मुझे ज़रूर बताना आपका ख्याल इस बारे में। और जहाँ तक बात इंटीग्रेटेड वीडियोस की है, मैं आपको जो चीज़ दिखाता हूँ उसको मैं कम्प्लीटली रिसर्च करता हूँ एक बार और पर्सनली ट्राई भी करता हूँ। अगर मेरे को वो सही लगता है और उसमें कोई भी रेड फ्लैग्स नहीं दिखता तो ही मैं उसे मेरे वीडियोज़ में ऐड करता हूँ। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा मेरे को इतने सारे रिक्वेस्ट आते हैं ना ऐसे स्कैमी प्रोडक्ट्स में, अगर मेरे को इनमें कुछ भी रेड फ्लैग दिखता है तो मैं सीधा रिजेक्ट कर देता हूँ। मेरे लिए आपका ट्रस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन स्पॉन्सर्स के पैसों से। स्टिल जैसा मैं स्टॉक्स के केस में बोलता हूँ, हम भी इंसान हैं, हमसे भी रिसर्च करने में गलती हो सकती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आगे से कोई भी इंटीग्रेटेड स्पॉन्सर वीडियो बनाऊँ, लिंक मैं कमेंट में डालूंगा, तो आप उसमें रिव्यूज़ दो लोगों को और बताओ कि वो चीज़ कैसा है। मेरा एक और कहना ये है, आप कोई भी यूट्यूबर्स को इस चीज़ के लिए हेट मत करो क्योंकि वो अपने रिसर्च से ही उस वीडियो को प्रमोट कर रहे हैं। हो सकता है उनका रिसर्च हाफ बेकड हो। हमारी यही प्रॉब्लम है, हम किसी की भी बातों को ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं। एज एन ऑडियंस ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी प्रमोशन या ऐड देखे तो उसके बारे में अच्छे से खुद रिसर्च करे और फिर डिसाइड करे कि ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसका ट्रायल है या फिर एटलीस्ट 1 मंथ उसे ट्राई करके देखो और फिर डिसाइड करो कि वो सही है कि नहीं है। सीधा 1 साल का आप प्रोडक्ट ले लोगे और फिर बोलोगे कि प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, हो सकता है वो आपके लिए ना हो। और अभी रिसेंटली एक ट्रेंड बन गया है, बहुत सारे बड़े यूट्यूबर्स कॉल आउट करने लग गए बाकी सब इन्फ्लुएंसर को कि देखिए वो कैसे कैसे ब्रांड्स को प्रमोट कर रहे हैं, ये तो गलत प्रोडक्ट है, सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट ही प्रमोट करो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑलवेज रिमेंबर ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड। ये सब के सब जो अभी ऐसा वीडियोज़ बना रहे हैं ना, वो ऑलरेडी वो लेवल पर पहुँच चुके हैं
कि वो सीधा उठेंगे और एक बहुत बड़े ब्रांड को अप्रोच कर लेंगे और यूथ स्पॉन्सर मनी ले लेंगे एक वीडियो के लिए। बट एक छोटा यूट्यूबर क्या कर सकता है इस मामलों में? देखिए, मेरा मॉरल मुझे कभी गैम्बलिंग हुआ या कोई खराब प्रोडक्ट हुआ वो प्रमोट करने नहीं देगा, सो ऑब्वियसली मैं तो नहीं करूंगा। बट सब ये नहीं सोचते एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट यार। अगर मैं एक स्मॉल यूट्यूबर हूँ और ये मेरे लिए एक फुल टाइम जॉब है, मेरे को भी घर संभालना है ना, और मेरे को अगर कोई बड़े ब्रांड नहीं मिल रहे तो इसका मतलब ये है कि मैं कोई भी स्पॉन्सरशिप ना करूँ। इतना याद रखो, कोई भी चैरिटी करने यहाँ नहीं आया, एक ना एक तरीके से वो पैसे कमाएगा ही। जो YouTube में जो ट्रेडर्स जो दिखते हैं ना, वो अपना कोर्स ही बेचते हैं और उससे पैसा कमाते हैं, वो ऐड से पैसा नहीं कमाते। और जो सो कॉल्ड फाइनेंस क्रिएटर है जो ये सब वीडियोस बना रहे, वो मेजरली या तो अपना कोर्स बेचते हैं या तो उनके वेबसाइट पे प्रोडक्ट सेल करते हैं, वो तो उनको पैसा वहां से आता है। और जब वो बाहर आके ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं ना, आई फील कि इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग यार। तो किसी को भी ऐसा कॉल आउट करना मेरे हिसाब से एब्सोल्युटली गलत है। इससे इनडायरेक्टली आप ऐसा दिखा रहे हो कि आप कितने ग्रेट हो। ये अबाउ स्टेटमेंट के लिए मुझे गाली पड़ सकती है, बट दिस इज व्हाट आई फील। अभी कुछ क्विक क्वेश्चंस हैं जो मैं एड्रेस करना चाहूंगा। मैंने इसे ऑलरेडी मेरे कोई पुराने वीडियोस में बोला है, बट ये सबको एक ही जगह पे रखूँ तो बेटर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड आई स्टॉप शोइंग फास्ट फॉरवर्डिंग बैक टेस्टिंग वीडियोस? जिसको नहीं पता, चैनल के स्टार्ट के डेज में हम पूरा बैक टेस्टिंग करते वक्त का रिकॉर्डिंग करते थे, उसको पूरा फास्ट फॉरवर्डिंग करके वीडियो में डाल देते थे। इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम ये था कि मेजरली 95% लोग हैं ना, वो पार्ट देखते ही नहीं थे, तो वीडियो का व्यूअरशिप बहुत कम हो जाता था, क्योंकि YouTube एल्गोरिथम को लगता था लोग वीडियो देख ही नहीं रहे, इसलिए वो हमारे वीडियोस को प्रमोट करना ही बंद कर दिया था। दैट्स द ओनली रीजन मैंने ये चीज़ बंद किया है, और कुछ रीजन नहीं है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डोंट आई प्रोवाइड अ टेस्टेड बैक टेस्टिंग शीट फॉर एनी ऑफ माई स्ट्रेटजी? वेल देखिए, मैं वो टेस्टिंग वाला शीट वीडियो में दिखा देता हूँ, तो मुझे डिस्क्रिप्शन में लिंक डालने में क्या प्रॉब्लम है? वेल रीजन सिंपल है, मैं वो शीट को 100-100 रुपये में आपको बेचना चाहता हूँ। जस्ट kidding, ऑब्वियसली ऐसा मैं नहीं करने वाला। देखिए, मैंने ये चैनल शुरू इसलिए किया था ताकि मैं बैक टेस्टिंग का इंपॉर्टेंस प्रमोट कर सकूं लोगों को। अगर मैं ये बैक टेस्टिंग शीट सीधा सीधा आपको प्रोवाइड कर लूँ, आप में से 95% लोग बैक टेस्टिंग करने का मेहनत ही नहीं करेंगे। और मैंने आपको ऑलरेडी ये शीट अभी प्रोवाइड किया है, तो आप खुद से उस स्ट्रैटेजी को टेस्ट करिए ना, और देखिए कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। छुपाने जैसा क्या है इसमें? मेरे तो रूल्स भी परफेक्टली डिफाइंड होते हैं। मैं ये शीट ईजिली भी दे दूंगा ना, तो भी इसका कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप कभी एफर्ट नहीं लोगे ना, तो आप कभी प्रॉफिटेबल बन ही नहीं सकते। बहुत लोगों ने मुझे खुद से बैक टेस्टिंग करके अपना शीट भेजा है, फिर मैंने उनको मेरा शीट भेजा, ऐसे भी एग्जांपल्स हैं। इतना याद रखो, मार्केट एफर्ट डालने वालों को ही रिजल्ट देता है, इसीलिए टॉप 5% लोग ही प्रॉफिटेबल है स्टॉक मार्केट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज 100 ट्रेड टेस्टिंग इनफ? वेल ऑब्वियसली नॉट, 100 ट्रेड टेस्ट इनफ नहीं होता। क्वेश्चन एक्चुअली ये होना चाहिए था, इज 100 ट्रेड टेस्ट इम्पॉर्टेंट? देन माई आंसर इज येस। देखिए, अब आप कोई भी मूवी देखते हो तो आपको सबसे पहला उसका टीजर दिखाया जाता है, फिर ट्रेलर दिखाया जाता है, फिर ये दोनों देख के आप डिसाइड करते हो कि आपको मूवी देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि आपको टीजर अच्छा लगा हो बट ट्रेलर पसंद नहीं आया हो, तो आप ऑब्वियसली मूवी थिएटर नहीं जाओगे ना देखने के लिए। आप जब तक वो OTT पे आएगा या फिर टॉरेंट पे आएगा तभी देखोगे ना। वो बोले वो बात अलग ही हो कि वो पिक्चर बाद में सुपर हिट हो या ना हो, बट ट्रेलर देखने के बाद अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप नहीं देखोगे। वैसे ही है, आपको कोई भी स्ट्रैटेजी बताता है तो वो आपके लिए टीजर है उसका, तो आप उसका तो आपके लिए ट्रेलर क्या है कि उसको आप 100 times टेस्ट करो, फिर ही आप फुल टेस्ट या फिर ऑटोमेटेड टेस्टिंग की तरफ जाओ ना। अगर ट्रेलर अच्छा रहेगा तो ही आप मूवी देखोगे ना। सेम वही फंडा है इधर भी, कोई भी स्ट्रैटेजी आपको एटलीस्ट 100 times खुद टेस्ट करना चाहिए, ताकि आप उस स्ट्रैटेजी का इन्स एंड आउट सब एक्सपीरियंस कर सको और उसके रिजल्ट से डिसाइड कर सको कि आपको इस स्ट्रैटेजी पे और मेहनत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फिर लास्ट, व्हाई ओनली 1 video पर वीक? वेल, इसका आंसर मैंने पहले ही बोला, करेंटली ये चैनल मैं अकेला हैंडल कर रहा हूँ। वेदर इट बी रिसर्च, बैक टेस्टिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग एक्सेट्रा, ये सब मैं अकेला ही करता हूँ, और ये मेरा फुल टाइम जॉब नहीं है। ट्रेडिंग के साथ मेरे और एक दो वेंचर्स भी है, सो वीक में मेरे लिए एक वीडियो ही बहुत हो जाता है, और घाई करके मेरे को मेरे वीडियो का क्वालिटी भी नहीं गिराना है। ये भी रीज़न है कि मैं बहुत सारे रिक्वेस्ट मेरे को आते हैं ना, मैं वो सब अब तक कर नहीं पाया हूँ, उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। और इंस्टा पे भी मैं एक्टिव नहीं हूँ, दैट्स द रीज़न चैनल के लिए मुझे सही मेथड ढूंढना पड़ेगा कैश फ्लो इंक्रीज करने का, और ये मुझे एक्सेल शीट या फिर कुछ कोर्स सेल करके नहीं करना है। चलिए, इस वीडियो में मैं आपके लिए एक अनाउंसमेंट भी कर देता हूँ ऑफिशियली।
आई एम लुकिंग फॉर न्यू टैलेंट्स हु आर इंटरेस्टेड टू वर्क एज एन इंटर्न ऑन आर चैनल. आई कैन प्रॉमिस यू ग्रेट एक्सपोजर एंड नॉलेज ऑन स्टॉक मार्केट. सो इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड, मैं स्क्रीन पे मेल आईडी डाल दूंगा, तो आप वहां से अप्लाई कर सकते हो. चलिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया मेरे को लगता है, तो आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं. सो गाइस, इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड हिटिंग द बेल नोटिफिकेशन, एंड डू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो. प्लीज कमेंट में आपके वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए. आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट देख सकते हो और दूसरे स्ट्रेटजीज के वीडियोस भी देख सकते हो. ऑल द सोशल मीडिया लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन. प्लीज फॉलो अस एंड शो योर सपोर्ट. मोर ऑसम कंटेंट्स आर ऑन द वे. सो सी यू नेक्स्ट टाइम.